गर्लफ्रेंड बनानी है, बॉयफ्रेंड चाहिए। डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू एंटर इन टू रिलेशनशिप? नमस्ते एंड हेलो इंडिया, क्या हाल है आपके। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ द आशीष कॉर्नर में, जहाँ आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमारे देश की यंग जनरेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप। जी हाँ, रिलेशनशिप, जिसमें आजकल ऑलमोस्ट सभी आना चाहते हैं। सभी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होना बहुत जरूरी है। क्या सच में आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, या कहीं ऐसा तो नहीं आप भेंट चाल में फंसे हो? सो काइंड ऑफ क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं टॉपिक पे आऊं, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि मैं यहाँ कोई लव गुरु नहीं बनने वाला और नहीं मोरलिस्टिक होने वाला हूँ कि ये सही है वो गलत है। इट्स अप टू यू, आप इसको कैसे देखते हैं। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। हो सकता है कि आपका परसेप्शन मेरे परसेप्शन से मैच ना करे, लेकिन हाँ, मैं आपके सामने अपना परसेप्शन रखूंगा रिलेशनशिप को लेकर। आप इसको सुनना और जो बातें आपको सही लगें उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करना। एंड आई थिंक यही होना भी चाहिए कि जब भी हम कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उसे देखने या सुनने के बाद एक बार ये सोचना जरूरी है कि जो भी आपने देखा या सुना, क्या उसकी जरूरत आपको एक्चुअली में है? और अगर है देन टेक इट, अदरवाइज लीव इट। भेंट चाल में चलने की कोई जरूरत नहीं है कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। पहले आप उसको थिंक कीजिए, उसको सोचिए क्या उसकी जरूरत आपको एक्चुअली में है। एंड ये हमारी सीरीज थिंक एंड ग्रो का 5th एपिसोड होने वाला है, तो अगर अभी तक आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ आई बटन पे भी आ रहा होगा, तो इसे देखने के बाद उन्हें भी जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब क्या है? व्हाट इज रिलेशनशिप? रिलेशनशिप का मतलब होता है व्हेन टू डिफरेंट पीपल एक शिप में बैठकर इस जिंदगी नाम के दरिया को पार करते हैं, है ना? जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं। रिलेशनशिप का मतलब होता है कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन जिसका बेस ट्रस्ट होता है, फिर चाहे वो दो लोगों के बीच हो या तीन या एनी नंबर ऑफ पीपल। आई फील जितने भी रिलेशंस हैं इस वर्ल्ड में उन सभी का एक कॉमन फैक्टर है, एंड दैट इज द ट्रस्ट, विश्वास। फॉर एग्जाम्पल, योर रिलेशन विद योर फ्रेंड्स, योर रिलेशन विद योर सिबलिंग्स, योर रिलेशन विद योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेंबर्स और योर रिलेशन विद योर टीचर्स, इन सब में एक कॉमन चीज है और वो है विश्वास। अगर ट्रस्ट नहीं होगा देन आई डोंट थिंक एनी रिलेशन कुड सर्वाइव फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप, फैमिली रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, एक्वाइटेंसशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ऑनलाइन रिलेशनशिप, नेवरली रिलेशनशिप एंड सो ऑन। लेकिन इनमें से हम जिस रिलेशनशिप की आज बात करेंगे वो है रोमांटिक रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व्स इंटीमेट कनेक्शंस, इमोशनल, फिजिकल एंड ऑफन सेक्सुअल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टनर्स। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि आजकल जहाँ हर किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना है, तो ये ट्रेंड आया कहाँ से? इसके लिए हम चलते हैं डायरेक्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप। वेस्टर्न और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप में जो एक मेन डिफरेंस है, जिसे हम सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, अगर उसकी बात करूँ तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, जैसे ही बच्चे 18 साल के होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि अब घर से बाहर जाओ और अपना पेट खुद भरो जाके। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लाइक एवरीवन विल लुक फॉर समवन जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स, फिर चाहे वो इमोशनल फीलिंग्स हों, सैड मोमेंट्स हों या हैप्पी मोमेंट्स हों, उनको शेयर कर सके, एंड देन दे लुक फॉर पार्टनर्स। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पेरेंट्स बच्चों को ऑन एन एवरेज 25 साल तक तो सपोर्ट करते ही है, इसलिए हमें किसी के लिए उतनी ज़्यादा लॉन्गिंगनेस भी नहीं होती है। तो इसलिए इंडिया में पहले आज के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था कि रिलेशनशिप में आना है, रिलेशनशिप में आना है। बट आई थिंक नाउ इट इज चेंजिंग। आज के सिनेरियो की अगर बात करें तो एवरीवन वांट्स टू कम इनटू रिलेशनशिप, बट व्हाई? इस व्हाई क्वेश्चन का आंसर मिलना बहुत जरूरी है। ओके, वन ऑफ द रीजंस तो ये हो सकता है, जो कि बेसिक भी है, कि बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। दूसरा, कि मेरे सारे फ्रेंड्स रिलेशनशिप में हैं तो मुझे भी आना। थर्ड, यू सीरियसली वांट टू बी इन रिलेशनशिप। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज फाइन, कि आपको अगर ऐसा लगता है कि यही राइट पर्सन है आपके लिए और वो पर्सन भी आपको लेकर उतना ही सीरियस है जितना कि आप, देन इट्स ओके, आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं
और आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है, तो मुझे लगता है आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। आई टेल यू वाई, बिकॉज इस एज पे जितनी एनर्जी आपके अंदर होगी ना, उतनी एनर्जी लाइफ के और किसी स्टेज में नहीं होगी। ट्रस्ट मी, आप इस एज पे फुल फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं और बहुत जल्दी सीख सकते हैं। और आप यकीन मानो या ना मानो, सक्सेस एंड रिलेशनशिप कांट गो पैरेलल, ये एक साथ कभी नहीं चल सकते। एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा। सो फर्स्ट ट्राई टू रीच एट ए पॉइंट इन योर लाइफ, उसके बाद आप रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। आई पर्सनली फील कि 20 से 25 साल तक वी शुड फोकस ऑन आवर सेल्स, हमें अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को घिसना चाहिए ताकि हम और ज्यादा शाइन कर सकें। उसके बाद ऑल स्टेज इज योर्स। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि 18 से 25 साल का जो फेस होता है हमारी लाइफ में, दैट इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ। उसका यूज सेल्फ ग्रोथ के लिए कीजिए, अपने आप को जानिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानिए, और जो भी आपने सोच रखा है उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। और एक बार आप अगर वहां पहुंच गए जहां आप खुद को देखना चाहते हैं, देन ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल कम टू यू, सब कुछ आपके पास खुद आएगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कीप योर करियर बिफोर रिलेशनशिप। सो ये था आज का टॉपिक, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक आप सोचिए इस टॉपिक के बारे में, और जो भी बात आपको अच्छी लगी हो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ। और अगर आप रिलेशनशिप एंड करियर डेवलपमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। काफी अच्छी बुक है जो कि आपको हेल्प करती है पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करने में, जो कि आपको लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हेल्प करते हैं, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर सक्सेस। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात की जाए। सो दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ, मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सी यू सून, बाय बाय।